अगर ये एयर फिल्टर गंदा होता तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपकी गाड़ी में? सब हेड पे लगा हुआ है, इसको यूरो टू बोलते हैं। ये बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता और इसके अंदर क्या होता है ये नहीं पता होता है। तो दिख रहा है आपको, ये एयर अंदर खींच रहा है। फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में। तो फ्रेंड हमारे पास ये देखिए हीरो की ड्यूट है और इसमें एक चीज़ लगी रहती है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आपने देखा होगा एक्टिवा में दो फिल्टर लगे रहते हैं, एक ये वाला फिल्टर लगा रहता है, एक ये वाला फिल्टर लगा रहता है। ये तो फिल्टर हमें मालूम चलता है कि ये कार्बोरेटर में कनेक्ट होता है, लेकिन जो है ये फिल्टर किस काम के लिए आता है, क्यों आता है और इसमें ये क्या होता है, इस चीज़ के लिए भी जानकारी मैं दूंगा। अगर ये एयर फिल्टर गंदा होता तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपकी गाड़ी में, सब कुछ मैं डिटेल बाई डिटेल बताऊँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी में दो वाल लगे होते हैं, किसी गाड़ी में चार लगे होते हैं, लेकिन जो ये स्कूटी है इसमें दो वाल लगे होते हैं। तो फ्रेंड दो वाल ये हेड पे लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये हेड पे लगे होते हैं, लेकिन इसे भी जो बोलते हैं एयर सेक्शन वाल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसको वाल क्यों बोला जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन इसके कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो फ्रेंड ये एक मोटा पाइप लगा हुआ है, ये कनेक्शन ये देखिए, ये आपका ये जो है ये यहाँ से घूम करके ये हेड पे लगा हुआ है, इसको यूरो टू बोलते हैं, ये पाइप को हम यूरो टू बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा जो है दूसरा ये एयर वाला ये पाइप लगा हुआ है, एक वाला ये आपका कार्बोरेटर में फ्लेंज में लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये दो कनेक्शन ये हो गया। तीसरा कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है? तीसरा कनेक्शन जो है हमारा ये इसमें लगा हुआ है, ये एयर फिल्टर में। तो इसको एयर फिल्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको सबसे पहले डिटेल में बता देता हूँ। तो फ्रेंड ये जो यहाँ पे दोनों कनेक्शन लगे हुए हैं, अगर ये हम हटा भी देते हैं तो गाड़ी में कोई भी ज़्यादा काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये हम हटा देते हैं तो गाड़ी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये कंपनी ने इतना खर्चा करके ये क्यों लगाया है? तो इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड ये इसलिए लगाया हुआ है कि ये जो आपकी जो एयर होती है, जो किसी किसी में गाड़ियों में जो मैं आपको बताता हूँ, किसी किसी गाड़ियों में जो एयर वाली ये पाइप होती है, ये जो मोटी वाली पाइप होती है, तो ये इस तरीके से जैसे ये हेड से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट एयर में कनेक्ट होती है, इसमें कनेक्ट हो जाती है एयर फिल्टर में, ठीक है फ्रेंड। तो कंपनी चाहती है तो अपना पैसा बचाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है ये वर्क करता है कैसे, इसकी अलग टेक्निक है। इसकी तकनीक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे वाल होता है, वाल खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, पेट्रोल टी में भी यही सिस्टम होता है। जब ये गाड़ी स्टार्ट हम करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एयर खींचेगा, ये एयर खींचेगा तो ये जो यहाँ से है एयर पास होगी, ये खींचेगा तो ये एयर यहाँ से पास होगी और ये इसके यहाँ से एक बैलून लगा रहता है जो इस तरीके से अप डाउन होता है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये अप डाउन होता है, अप डाउन होता है तो ये एयर यहाँ से निकलती है, जो फ्रेश एयर है इसमें निकलेगी और जो ये यहाँ की इंजन की जो एयर होती है ये भी अंदर खींचता है, ये जो है अंदर खींचता है, ये यहाँ से खींचेगा तो ये यहाँ पे जो लॉक लगा रहता है ये अंदर हो जाएगा, तो यहाँ से जो एयर होगी ये साफ एयर जो है ये इसमें यूरो टू में कनेक्ट होगी और ये जो आपके इंजन को जो है ठंडा रखेगी, इंजन को ठंडा रखेगी और इंजन में जो है जो भी मान लीजिए जो भी जो गर्म हीटिंग वाली एयर होती है वो बाहर करेगी, ठीक है फ्रेंड। इसलिए ये यूरो टू लगा होता है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ओपन करके अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इसके हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करके समझाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमने पूरा ओपन कर रखा है, ये जो होता है ये जो वाला हिस्सा होता है इसमें एयर फिल्टर लगता है, ये वाला एयर फिल्टर लगता है, ये देखिए काफ़ी गंदा है, किसी मैकेनिक ने काफ़ी समय से इसको चेक नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड। अब हम आपको दिखाते हैं इसका क्या वर्क होता है। क्या करना है इसको पूरा क्लीन करना है, क्लीन करके इसको फिटिंग करना है, ठीक है फ्रेंड। बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता और इसके अंदर क्या होता है ये नहीं पता होता, तो मैंने ये इसीलिए पूरा ओपन किया। तो चलिए इसे हम पूरा वॉश कर देते हैं, वॉश करके फिट करते हैं।
हमने पूरा ओपन करके वॉश कर दिया है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको फिट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया है कि ये मतलब क्यों होता है, ये तो मैंने डिटेल बता दी है ये क्यों होता है, इसकी पूरी डिटेल आपको पहले बता दिया, लेकिन इसके जो बारे में जो है कुछ चीज़ें जो हमको आपको बतानी है वो ये है। ये देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसको फिट कर देते हैं, इसको बारीकी से फिट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ये रबड़े अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो एयर लेने लगेगी तो ये सही से वर्क नहीं करेगी। ये देखिए इस तरीके से, और इसको फिट करना है, इसको फिट करना है कैसे, ये जो हिस्सा होता है इसको इधर से फिट करना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने फिट कर दिया। फ्रेंड ये खांचे देखते ही पैक कीजिएगा, अगर आप उल्टा सीधा पैक कर देंगे तो पैक नहीं होगा ये। और इसमें क्या करना है, इसमें एक स्प्रिंग लगेगी इस तरीके से ये इसमें लग जाएगी। तो फ्रेंड ये हमने पूरा फिट कर दिया, ये जो हिस्सा होता है ये दोनों हिस्से ऊपर रहेंगे और ये हिस्सा कहीं भी कर सकते हैं, इसे घूम जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके से लगेगा इस तरीके से, और इसमें दोनों पाइप लगेंगे, तो इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये पूरा हमने यूरोट फिट कर दिया है, इसको एयर सेक्शन वाल बोलते हैं, तो इसको हमने फिट कर दिया। अब इसका वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ, वर्क कैसे करता है, ये यूं ही फालतू नहीं लगा हुआ, इसको हमने क्लीन क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, और अब मैं इसको लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये वर्क कर रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये एयर अंदर खींच रहा है, ये देखिए इस तरीके से एयर अंदर क्यों खींच रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये एयर जो अंदर इसलिए खींच रहा है क्योंकि ये जो वाल होता है, ये जो लगा हुआ है ये पाइप, ये डायरेक्ट हेड में लगता है। ठीक है फ्रेंड, नीचे साइड से हेड में लगता है। ठीक है फ्रेंड, और ये दूसरा जो पाइप होता है ये भी जा करके इसमें लगता है। ये दोनों पाइप जो होती है अंदर एयर खींचती है, ये एयर खींचती है, तो यहाँ से जो होती है जो साफ हवा होती है वो यहाँ से जा करके इंजन में जाती है, इंजन की कूलिंग, इंजन को ठंडा रखती है। और ये तो फ्रेंड इससे जो है आपका माइलेज में भी फर्क पड़ता है, इसमें दो फर्क पड़ते हैं, एक तो आपका एवरेज का फर्क पड़ता है, दूसरा माइलेज का फर्क पड़ता है। अगर ये एयर फिल्टर नहीं क्लीन करते हैं तो ये आपके जो इंजन है ठंडा नहीं रखेगा तो इसमें माइलेज की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सर्विस करते हैं तो यही फिल्टर जो है, ये वाला फिल्टर ही क्लीन करना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, वो वाला भी फिल्टर क्लीन करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।